बॉलीवुड के एक्शन हीरो जॉन अब्राहम को फिल्मों में कई खतरनाक स्टंट्स करते देखा गया है। उनकी लगभग हर फिल्म में एक्शन का डबल डोज रहता ही है। 1 अप्रैल को रिलीज जॉन की अटैक भी फुल ऑन एक्शन है। बता दें कि एक्टर जॉन अब्राहम अभी इस फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक्शन की वजह से हुई इंटेंस इंजरी के बारे में खुलासा किया है। जॉन अब्राहम बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने स्टंट खुद करते हैं। अपनी कई फिल्मों में एक्टर ने जी तोड़ मेहनत करके कई स्टंट्स परफॉर्म किए हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में जॉन ने खुलासा किया कि एक्शन के प्रति उनका रुझान और अपने स्टंट खुद करने की वजह से वह एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, वो भी इस कदर कि वो अपना एक पैर भी गंवा सकते थे। जॉन अब्राहम ने बताया कि फिल्म फोर्स 2 में एक्शन परफॉर्म करना उन्हें बहुत महंगा पड़ गया था। ई टाइम्स के साथ बातचीत में जॉन ने कहा कि साल 2016 में फोर्स 2 की शूटिंग के वक्त उनका घुटना टूट गया था, जिसकी वजह से 3 सर्जरी की नौबत आ गई थी। जॉन ने बताया कि उस इंजरी की वजह से उनके दाएं पैर में गैंग्रीन की दिक्कत हो गई थी और डॉक्टर मेरे पैर को काटना चाहते थे। मैंने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जॉन ने पैर कटवाने से इनकार कर दिया और मुंबई में अपने डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन लिया और उनका धन्यवाद किया। वर्क फ्रंट की बात करें तो जॉन की अटैक फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में उनके अलावा जैकलिन फर्नांडिस और रकुल प्रीत सिंह भी हैं। अब जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म में पठान शामिल है, जिसमें उनके अलावा शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल है। दोस्तों, आपको जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।